हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुट्टर डॉग्स। हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट नंबर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या में हम इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, जब दो संख्या आपस में गुणा में दी रखी होती है तो हमें पूछता है क्वेश्चन में कि उस संख्या में ऐसा क्या जोड़े या घटाएँ कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक से करेंगे, फिर बाद में मैं आपको बड़े क्वेश्चंस में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे बहुत ही जल्दी और आसानी से कम समय में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 4 × 5 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की। तो जैसे कि हम पता है कि 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 × 3 यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी तरह हम देखते हैं 4 × 4 16, 5 × 5 25 होता है, तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है। आगे बढ़ते हैं तो 25 × 25 625। अब इन कंट्रोल रोड लेते हैं तो वापस ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो हम देखिए 4 × 5 में कितना जोड़ा जाए कि एक प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 4 × 5 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 20। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ बात जोड़ने की हो रही है और 20 से बड़ा जो पूर्ण वर्ग है वो 25 है। तो हम कह सकते हैं कि 20 में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो 25 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 × 5 में कितना घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पे 4 × 5 फिर से 20। अब देखिए 20 से यहाँ पे घटाने की बात हो रही है और 20 से जो छोटी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या वो 16 है, तो यहाँ घटाने की बात हो रही है। तो हमें पता है कि अगर मैं 20 में से 4 घटा देंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका आंसर तो होगा 4, यानी 4 घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और इसका आंसर होगा प्लस का 5 यानी 5 जोड़ देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पर अब एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे देखिए आप, 5435 × 5436 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, छोटी छोटी संख्याएं थी, तो 4 × 5 किया प्लस तो 20 आया इसका आंसर और प्लस 5 कर दिया 25 आ गया। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि पहले इनको गुणा करे फिर पता करे क्या ऐड करना है, तो एक शॉर्ट टिक देख लीजिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखो यहाँ क्या किया, 4 × 5 किया है और जोड़ा कितना है प्लस का 5 यानी अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो संख्याएं गुणा में हो और उनके मध्य मात्र एक का अंतर हो, यहाँ एक का अंतर है और यहाँ पे एक का अंतर है, ठीक है यहाँ पे भी एक का अंतर है। बात अगर जब जोड़ने की जाएगी तो हमें हमेशा बड़ी वाली संख्या को जोड़ देना है जिससे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो यहाँ 4 × 5 किया 20 हुआ, अब इसमें अगर बड़ी संख्या यानी 5 जोड़ दिया जाए तो 25 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब देखिए दो संख्याएं गुणा में है, अब इनके मध्य भी एक का अंतर है, यदि बात जोड़ने की जाए तो हमें हमेशा बड़ी वाली संख्या दोनों में से जो बड़ी है वो जोड़ देनी है और जो प्राप्त संख्या होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी हमारा आंसर होगा ये वाला बी। अगर हम इन दोनों के गुणनफल में 5436 जोड़ दिया जाए जो कि बड़ी संख्या है इन दोनों में, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी, तो इसका आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप हैरान हो जाओ परेशान हो जाओ, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं इनमें। अब यहाँ पे भी देखिए प्लस एक का अंतर है दोनों में, देख लीजिए अगर दोनों संख्या को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मात्र प्लस एक का अंतर है। अब यहाँ बात घटाने की हुई तो इसका लिंक इस क्वेश्चन से, देखिए 4 × 5 20 हुआ और घटाया कितना हमने 4 यानी छोटे वाली संख्या घटाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन में भी होगा कि जब गुणा में इनका जब गुणा में दी होगी तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या को घटाना है तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अभी इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं, ठीक है। आपको बड़ी संख्या देखकर डरना नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट पर जाना कि देखो कितना अंतर है, प्लस एक का अंतर है तो जो जोड़ने की बात है तो बड़ी वाली संख्या जोड़ दो, अगर बात घटाने की है तो छोटी वाली संख्या घटा दो, इससे आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे भी गुणा की बात हो रही है और जोड़ने की बात हो रही है और जोड़कर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी है। देखिए 540 × 542 पर कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे जो दोनों संख्या में अंतर है प्लस का 2
यानी अब याद रखना है आपको, जब भी ऐसा बात आएगी कि दोनों में अंतर प्लस का 2 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। आप दोनों के गुणा में हमेशा 1 जोड़ दीजिए, आपको जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। देखिए, 4 × 6 कर देते हैं, ठीक है, दोनों में 2 का अंतर है, अब इनका गुणा 24 आएगा, ठीक है, और बात सिर्फ 1 को ऐड करने की, लास्ट में अगर 1 ऐड कर दो तो 25। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं आपकी खुशी के लिए, 8 × 10, ठीक है, फिर से देखिए मात्र 2 का अंतर है, ठीक है, 8 × 10 80 होता है, और इसमें अगर प्लस मात्र 1 जोड़ दिया जाए तो ये 81 बनता है, जो कि 9 का वर्ग है, ठीक है, तो 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम में भी आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, आपको सिर्फ अंतर देखना है, ठीक है, और कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका भी आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए मैं मैथ्स के इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।